हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, MPNHM स्टाफ नर्स की आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो दोस्तों, उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियो रिलीज कर चुके जो स्टाफ नर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। सो दोस्तों, अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस आंसर की ओर। सो दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गैम्बुसिया फिश इज यूज्ड एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन विच डिसीज। ठीक है, जो गैम्बुसिया मछली होती है वो मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए, कौन से डिसीज को कंट्रोल करने के लिए गैम्बुसिया फिश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट है डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया। सो दोस्तों, जो गैम्बुसिया फिश होती है, जो मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो गैम्बुसिया फिश होती है जो मलेरिया के जो क्या बोलते हैं मलेरिया के जो जीवाणु मलेरिया के जो जीव होते हैं उन्हें अपना भोजन बना लेती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेथर्म एक्सट्रैक्ट इज यूज एज स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर ऑफ मलेरिया इज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, एंटी लार्वल मेजर या फिर एंटी एडल्ट मेजर या फिर फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो पायरेथर्म होता है वह एंटी एडल्ट मेजर के रूप में, मॉस्किटो कंट्रोल के रूप में काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मॉस्किटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट। सभी मॉस्किटो जो नाइट में बाइट करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मॉस्किटो जो दिन में बाइट करता है, नाइट को छोड़ करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट एडिस, सेकंड है कुलैक्स, थर्ड है मानसून एंड फोर्थ है एनाफेलाइन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एडिस इज करेक्ट आंसर। जो एडिस होता है वो नाइट में बाइट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम काउस्ट। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम किसका काउस्ट है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फाइलेरिया। सो दोस्तों, प्लाज्मोडियम आपको पता होगा कि मलेरिया का काउस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिसीज स्वेटिंग स्टेज ओकर। ठीक है, जो स्वेटिंग स्टेज होती है वो किस कौन सी बीमारी में होती है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस। तो दोस्तों, जो स्वेटिंग स्टेज होती है वो मलेरिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कॉज्ड बाय विवेक्स कैन बी ट्रीटेड विद। ठीक है, जो मलेरिया होता है, जो उसका विवेक्स नाम का जो कॉज होता है, उस किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन दे रहा है, क्लोरोक्विन या फिर प्रमाक्विन या फिर क्लोरोक्विन या फिर प्रमास्ट्रोकिन। सॉरी, इसमें अलग अलग जो डोसेज देगा, इसमें प्रमाक्विन 0.25 mg पर kg के हिसाब से विवेक्स को आप कंट्रोल कर सकते, उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्किटो वेट स्प्रे पैरासाइट ऑफ लैम्फेटिक फाइलेरिया इस। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, फाइलेरियल वॉर्म्स या फिर वुचेरिया ब्रोनकाफ्टी या फिर बुजिया मलाई या फिर ब्रुजिया टिमरी। तो इसमें करेक्ट आंसर है वुचेरिया ब्रोनकाफ्टी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्टर ऑफ ब्रुजिया मलाई पैरासाइट इस। सो तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, कुलैक्स, सेकंड है मानसूनिया, थर्ड है एडिस एंड फोर्थ है एनाफेलाइन। सो दोस्तों, करेक्ट आंसर है मानसूनिया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिसीज एलिफेंटॉइड फीवर ओकर। ठीक है, जो कौन सी डिसीज में एनफेंटॉइड फीवर होता है, तो इसमें ऑप्शन देखा, मलेरिया, कालाजार या फिर फाइलेरिया फिर डेंगू। सो दोस्तों, जो एलिफेंटॉइड फीवर होता है वो फाइलेरिया नामक की डिजीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिसीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कौन सी बीमारी में अपन ब्लड कलेक्ट करते हो, नाइट में करते हो। ऑप्शन रहेगा, लैम्फेटिक फाइलेरियासिस या फिर डेंगू या फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस या फिर ओकल्ट फाइलेरियासिस। तो उसका करेक्ट आंसर रहने वाला ओकल्ट फाइलेरियासिस करेक्ट आंसर है, यानी जो ओकल्ट फाइलेरियासिस बीमारी होती है उसके लिए जो ब्लड का कलेक्शन होता है वो नाइट में करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो कैन नॉट काउस फाइलेरिया। ठीक, कौन सा मॉस्किटो होता है जो मलेरिया को काउस नहीं करता है, इसमें फाइलेरिया काउस नहीं करता है। इसमें ऑप्शन है मनसूनिया, कुलैक्स, एडेक्स या नॉन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला एडिस इज करेक्ट आंसर, जो मॉस्किटो से एडिस मॉस्किटो से फाइलेरिया नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट इज डन इन। ठीक है, जो एलिसा नामक का जो जांच होती है, टेस्ट होता है, उसमें कौन सी बीमारी के लिए, जंपानेसलर फिशिस के लिए, कालाजर के लिए, या फिर मिसल्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। सो दोस्तों, एलिसा टेस्ट होता है वो तीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ कालाजर सोडियम स्टीबोग्लोकोनेट शुड बी गिवन एट द डोज एट। ठीक है, तो कितना आपको देना है डोज, तो इसमें ऑप्शन रहेगा 20 mg/dL, या फिर 25 mg/dL, या फिर 30 mg/dL, या फिर 35 mg/dL। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 20 mg/dL इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ काला अजर इज। ठीक, जो काला अजर का वेक्टर क्या है, कुलेक्स मॉस्किटो, या सैंड फ्लाई, या फिर एनाफ्लाइज मॉस्किटो, या फिर एडिस मॉस्किटो। तो उसका करेक्ट आंसर रहने वाला सैंड फ्लाईज करेक्ट आंसर। ठीक है, कालाजर का जो वेक्टर होता है सैंड फ्लाई की वजह से कालाजर होता है यानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिस मॉस्किटो काउस एक्सेप्टेड। ठीक है, एडिस मॉस्किटो से कौन सा काउस नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्टेड छोड़कर। ठीक है, चिकनगुनिया, येलो फीवर, या जिंका इन्फेक्शन, या फिर मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विथ फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फ्रॉम। ठीक है, जो फर्स्ट सिम्टम होता है मलेरिया को, कितने दिन में ट्रांसमिट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ना 4 दिन। ठीक है, 4 दिन का समय लगता है मलेरिया के जो सिम्टम उसे ट्रांसमिटेड होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेशेंट विथ फाइलेरियल इन्फेक्शन देयर इज एलिवेशन इन लेवल इन द लेवल ऑफ एंटी फाइलेरियल। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है IgG1, या फिर IgA2, या फिर IgG4, या फिर IgA3। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है IgG4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस सिंड्रोम इज काउज ड्यू टू द यूज ऑफ। ठीक है, जो राइस सिंड्रोम होता है किसके द्वारा, किसके यूज के करने के दौरान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे पैरास्टामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, या फिर मैंने टॉल। सो दोस्तों, करेक्ट आंसर रहने वाला एस्प्रिन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो राइस सिंड्रोम होता है वो एस्प्रिन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADLA यानी एक्यूट डर्मेटो लैम्फोजेनेडाइटिस फर्स्ट लेवल केयर गिव एट ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ना ओरल एरिथ्रोमाइसिन 1 g 3 times a day। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ। ठीक है, जो ICT होता है किसके डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए मलेरिया, फाइलेरिया, या फिर नॉन, या फिर बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फाइलेरिया। ठीक है, ICT होता है उसको फाइलेरिया को डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिसीज पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर। ठीक है, जो कौन सी बीमारी में बेंट पोस्चर में आप वॉक करते पेशेंट। ठीक है, तो मलेरिया, या फिर चिकनगुनिया, या फिर फाइलेरिया, या फिर डेंगू। सो दोस्तों, करेक्ट आंसर रहने वाला है चिकनगुनिया इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दोस्तों, आज का यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यदि उनके वीडियो नहीं देखे तो आप वहां से वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियो मैंने पहले से ही आपके लिए बना रखे हैं। सो दोस्तों, अब हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।